प्रकार से तेलंगाना में हमारे बंडी संजय जी के तत्वावधान में इन गुंडों पे बुलडोजर चलेगा पक्का, एमआईएम पे बुलडोजर चलेगा पक्का। एक भी गुंडा और एक भी माफिया तेलंगाना में नहीं बचेगा। और आने वाले समय में तेलंगाना में तेलंगाना की जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनेगी। आरएस के गुंडे मर्डर्स कर रहे, म्युनिसिपल लैंड हो या सरकारी लैंड हो, जितना करप्शन तेलंगाना में किसी राज्य में नहीं है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में तय है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बंडी संजय जी को बहुत गुस्सा है, क्योंकि अमित शाह जी ने बंडी संजय जी के कंधों पर एक बहुत बड़ी बाध्यता डाल दी है। एक बुलडोजर तेलंगाना में बंडी संजय जी के लिए भिजाया जा रहा है अमित शाह जी द्वारा। जिस प्रकार से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने, आज ये जीत सिर्फ पार्टी की नहीं, ये जनता की जीत है। और चार राज्यों की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास करके जो भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, मैं हृदय पूर्वक से तेलंगाना की ओर से आप सबको धन्यवाद प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ ये सिर्फ चार राज्य की जीत नहीं, आज यहां का उत्साह देखकर मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक धक्का और लगेगा और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी 100%। क्योंकि आज जो यूपी में जो गुंडा राज को योगी जी ने खत्म किया है, जो माफिया को खत्म किया है, उसी प्रकार से तेलंगाना में केसीआर के गुंडा राज को भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही खत्म कर सकती है। और ये मैं नहीं, तेलंगाना की जनता कह रही है, क्योंकि दिन ब दिन टीआरएस का गुंडा राज बढ़ते जा रहा है तेलंगाना में। रेप्स कर रहे तेलंगाना में टीआरएस के गुंडे, मर्डर्स कर रहे। म्युनिसिपल लैंड हो या सरकारी लैंड हो, जितना करप्शन तेलंगाना में किसी राज्य में नहीं है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में तय है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बंडी संजय जी को बहुत गुस्सा है, क्योंकि अमित शाह जी ने बंडी संजय जी के कंधों पर एक बहुत बड़ी बाध्यता डाल दी है। एक बुलडोजर तेलंगाना में बंडी संजय जी के लिए भिजाया जा रहा है अमित शाह जी द्वारा। जिस प्रकार से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने माफिया पर बुलडोजर चलाया, उसी प्रकार से तेलंगाना में हमारे बंडी संजय जी के तत्वावधान में इन गुंडों पे बुलडोजर चलेगा पक्का, एमआईएम पे बुलडोजर चलेगा पक्का। एक भी गुंडा और एक भी माफिया तेलंगाना में नहीं बचेगा। और आने वाले समय में तेलंगाना की जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनेगी।